फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ज्योति और रात के बज चुके हैं 10। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हर रात 10 बजे मैडम और जनाब के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आती हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो खत्म होने के बाद लाइक करें, बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो दोस्तों, डब्बा ने अपना एक इंटरव्यू दिया था। अब उस इंटरव्यू की फुटेजेस, यानी कि उस इंटरव्यू की वीडियो अब रिलीज हुई। हालांकि वो इंटरव्यू उन्होंने तब दिया था जिस समय वो अपने हैदराबाद मीटअप पे गए थे, तो वहां पे उन्होंने अपना जो इंटरव्यू सेशन किया था और वो इंटरव्यू की वीडियोस अब रिलीज हुई हैं, अब पब्लिक हुई हैं। और गेस व्हाट, इतनी पब्लिसिटी करने के बाद भी, वीडियो का इतना लिंक प्रमोट करने के बाद भी, उस वीडियो में अभी तक 40K के आसपास भी आई थिंक व्यूज नहीं आ पाए। और जब आप वो इंटरव्यू सुनोगे तो आप बोलोगे कि डब्बा मुंह पे अपने ढक्कन लगा लो। और उसके कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे तो लोगों ने इतना भर भर को डब्बा को क्रिटिसाइज किया है डब्बा के उस इंटरव्यू के लिए। तो उस इंटरव्यू में उसने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया, वो सब मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए बिना स्किप करे हुए वीडियो को जरूर देखना। तो आप जानते ही हो, इनकी भाभी ने जब से इंडस्ट्री में नहीं, जब से इनके घर में पैर रखा है, जब से इनके घर के रिश्तों में बंधी है, इनके भाई को डेट करने लगी, उस दिन से आज तक इनकी भाभी ऐसा कोई इंटरव्यू सेशन नहीं होता, ऐसा कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां पे वो अपनी सास और जहां पे वो अपनी ननद की तारीफ ना करे। वहीं से इन लोगों को पहचान मिली जब बिग बॉस में उन्होंने अपनी ननद की इतनी भर भर के तारीफ करी, उनकी हर कॉन्वर्जेशन में इनका जिक्र होता था, वहां से इनकी ननद को लोग जानने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी ननद का मेकओवर कराया, जो भी क्यूटी ब्यूटी जो भी कराया, उसके बाद उनका एक अनदर लुक सामने आया, उनके वीडियोस को इतना प्रमोट किया, क्योंकि इनिशियल डेज में डब्बा का ही चैनल था जिसपे काम होता था। तो डब्बा की भाभी उस चैनल पे गई, अपनी लाइव बताई, पॉडकास्ट इंटरव्यूज दिए डब्बा को, उसके बाद डब्बा का चैनल जो है वो आज यहां तक पहुंचा। लेकिन आज भी इनकी जो भाभी है वो किसी भी इंटरव्यू में अपनी सास का और अपनी ननद का नाम लेती है। अपने जनाब का तो खैर अनदर लेवल पे लेती है, लेकिन वहां पे वो कभी भी अपने ससुराल के लोगों का नाम लेना छोड़ती नहीं है, नो मैटर के अंदर क्या रियलिटी है और क्या नहीं है। लेकिन वहां पे जब डब्बा को पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, डब्बा का ये फर्स्ट इंटरव्यू था, डब्बा को पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, तो डब्बा ने शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं भी अपनी भाभी का थैंक यू नहीं बोला, अपनी भाभी को एक्नॉलेज नहीं किया, भाभी के लिए ग्रेटफुल नहीं हुई कि आज अगर वो इस इंटरव्यू देने की चेयर पे भी बैठी है तो उसमें किसका हाथ है, उसमें किसका क्रेडिट है। इस वजह से लोगों के अंदर जो है बहुत ज्यादा नाराजगी हुई डब्बा को लेकर कि डब्बा इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। वहीं पे कुछ लोगों का कहना यह भी था कि डब्बा जो सेल्फिश हुई है उसका क्रेडिट भी पिपिका मैडम को ही जाता है, क्योंकि पिपिका मैडम से ही घर के बाकी लोग भी सेल्फिश होना सीख रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले तो अंडर में ही थी, लेकिन शादी के बाद वो भी अब फ्रीली बर्ड हो चुकी हैं, तो अब वो सब चीजें करती हैं जो वो शादी से पहले नहीं कर पाती थी। शादी से पहले ये भी भाभी भाई भाई भाभी भाई भाभी अपने व्लॉग में करती थी, लेकिन शादी के बाद तुरंत ही इनकी सब चीजें चेंज हो गई, इनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, इनका लाइफ में इनका मोटिव चेंज हो गया, इनके फाइनेंसेस चेंज हो गए और इनके सारे जो है अपने खुद के डिसीजंस हो गए, मतलब डिसीजन मेकर ये खुद हो गई अपनी लाइफ को लेके। तो लोगों का कहना यही है कि ये सब कुछ जो है ये पिपिका मैडम से ही सीख के आए, क्योंकि वो भी यही हरकतें करती हैं, उनका भी यही फंडा है। और रही बात जो पिपिका मैडम अपनी सास और अपनी ननद की इन लॉज का इतना कुछ दिखाती है, तो वो दिखाना कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि शादी से पहले ही वो इनके रिलेशनशिप को और अपने इन लॉज फैमिली को इतना ज्यादा प्रमोट कर चुकी थी, कि अब वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और उनका बर्डन बन जाता है, वरना वो झूठी साबित हो जाएंगी। लोगों को लगेगा कि जो राजा बेटे की उनके हस्बैंड ने जो इमेज बना के रखी है, अच्छे भैया राजा बेटे, तो वो इमेज का कचड़ा हो जाएगा, जिन्होंने अच्छी संस्कारी बहू की खुद भूमिका बनाई हुई है उसका कचड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी मजबूरी है पिपिका मैडम की, कि उनको भी अपना जो ये रोल है ये मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अब काफी ज्यादा चीजें इनके व्लॉग की वजह से क्लियर होती नजर आ रही है, इनफैक्ट डब्बा की शादी के बाद काफी ज्यादा चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। कि हाँ, अब सोचिए कि लोग इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, जब से पिपिका मैडम का बेबी हुआ है तब से लोगों का बोलना यही है कि बेबी के किसी भी चीज में कोई कंट्रीब्यूशन इनकी सास का नहीं है, इनकी ननद का नहीं है, पोस्ट डिलीवरी प्री डिलीवरी कुछ भी किसी का भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया। उसकी वजह से इनके ससुराल वालों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, जिसकी एक्सप्लेनेशन
फ्रेंकली स्पीकिंग और स्ट्रेंजली जिसकी एक्सप्लेनेशन पिपिका मैडम ने इस बार नहीं दी, वरना पिपिका मैडम एक्सप्लेनेशन जरूर देती थी अपनी ससुराल फैमिली का, लेकिन इस बार पिपिका मैडम ने किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इनफैक्ट अपनी मम्मी को लाके उन्होंने और इस चीज पे मोहर लगा दी कि वाकई में ससुराल तरफ से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बिना बोले सब कुछ बोल दिया कि अगर कल को इन केस कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो मेरे पास भी बोलने के लिए एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है ही कि देखो मेरी जर्नी देखो, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी देखो, मेरी प्रेगनेंसी के बाद की जर्नी देखो, मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया है। तो वो पूरा माहौल और पूरा सेट पिपिका मैडम भी अपने लिए सेट कर चुकी हैं कि उनके पास भी कल को बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। तो वहीं से जो ये प्लानिंग्स है, ये जो दिखावा करना है, वहीं से मिला है डब्बा को भी और वहीं से सीख भी मिली है डब्बा को कि किस तरीके से फैमिली को ऑर्गेनाइज करना होता है, फेक ऑर्गेनाइज की आपके ऊपर भी बात ना आए और सामने वाला भी आपसे डर के रहे। तो वही फॉर्मेट आई थिंक अब अपनी ससुराल लाइफ में डब्बा जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, इसीलिए उसने अब बिल्कुल नाम लेना छोड़ दिया कि मैं भी जो है अब अपने इन लॉस का ही नाम लूंगी, अपने ससुराल फैमिली का ही नाम लूंगी और अब मैं भी अच्छी बहू की भूमिका निभाऊंगी। तो वहां पे देखो गलत डब्बा भी नहीं है और वहां पे गलत पिपिका भी नहीं है। अगर डब्बा ने पिपिका का सपोर्ट लिया है इनिशियल डेज में या पिपिका ने सपोर्ट किया है तो उस समय पिपिका को भी गुडी बुक्स में आना था, अपना नाम मीडिया में एक अच्छी बहू के नाम पे रजिस्टर करवाना था, जो कि उन्होंने करवा लिया। और रही बात अब डब्बा की, डब्बा अब नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि डब्बा को भी अच्छी बहू के नाम अपना रजिस्टर कराना है अपने इन लॉस के लिए, तो वो अब उसका पैटर्न हो गया आगे का काम करने का। लेकिन ऑडियंस वही है ना कि जो इनको पसंद करती है उन ऑडियंस को इनसे शिकायत हो जाएगी कि भैया ये तो बहुत सेल्फिश निकली, इन्होंने तो कहीं पे कुछ जिक्र ही नहीं किया, कहीं पे नाम ही नहीं लिया। लेकिन वहीं पे बात करें कि अब जो है टिपिका मैडम को कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग चलाने के लिए डब्बा के प्रमोशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डब्बा अब एक अच्छा खासा ब्लॉगिंग में जाना माना फेस बन चुकी है। तो बहुत सारी चीजों में डब्बा भी कॉम्प्रोमाइज करती है, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करती है, अंडरस्टैंडिंग छोड़ो, अंडरस्टैंडिंग सोचो कि जबकि उसका सिर्फ काम ब्लॉगिंग का ही है, अगर वो ब्लॉगिंग ना करे तो उसको कोई एडिशनल इनकम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज कर देती है, मेन कंटेंट दे देती है अपने भैया भाभी को, जबकि उनके भैया भाभी के दो सेपरेट अलग अलग चैनल हैं। उसके बाद भी वो बच्चों का कंटेंट लेके आगे बढ़ी थी, बच्चे तक उसने उनको दे दिए, इनफैक्ट खुद भी उनके ब्लॉग में चली जाती है, अपना भी मेन कंटेंट उनको दे देती है, कंटेंट में बहुत कॉम्प्रोमाइज करती है डब्बा और भटकती रहती है अपने कंटेंट के लिए इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन झगड़ा नहीं करती, लड़ाई नहीं करती, बहुत स्मूथली मैनेजमेंट के साथ उनके घर की व्लॉगिंग चल रही है। तो उस चीज को देखो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा कि डब्बा कॉम्प्रोमाइज कर रही है, लेकिन वहीं पे आप जनाब का सोचे कि वो अपनी वाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कब से लोग होम टूर होम टूर होम टूर मांग रहे हैं, लेकिन आज तक वो होम टूर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो होम टूर जनाब के व्लॉग के लिए बचा के रखा है, क्योंकि इन्हें पता है कि होम टूर इनका ट्रेंड में जाएगा, लेकिन वो अभी इसीलिए नहीं डालते क्योंकि अभी जब तक इनके पास शो का कंटेंट है तब तक ये शो का ही कंटेंट यूज करेंगे। वंस अगर ये वहां से एलिमिनेटेड हो जाते हैं या शो खत्म हो जाता है उसके बाद भी एक मेन कंटेंट होना चाहिए ना, लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं है जनाब का कि बीवी घर में दकियानूसी कंटेंट दिखाती है, आए दिन उसको कमेंट सेक्शन में कंटेंट के लिए क्रिटिसिज्म मिलता है कि ये दिखा देती है ये दिखा देती है, कि मैं यही बोल दूं कि चल पिपिका तुम डाल लो होम टूर का कंटेंट तुम डाल लो, लेकिन नहीं, सोचिए कि जब ये हस्बैंड वाइफ के बीच में कंटेंट का इतना खेल है वहां पे इनकी ननद अपने कंटेंट के साथ कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो ये है फिलहाल इस फैमिली की छोटी सी अपडेट आप सबके लिए, मेरा नजरिया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर जरूर करना, और अगर मैंने कोई टॉपिक या कोई पर्टिकुलर चीज मिस कर दी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप कर लेंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।